हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रंजना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक इम्यून बूस्टिंग टी। बेसिकली ये हमारी टर्मरिक और जिंजर टी है और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब इजीली हमारे घर में अवेलेबल हैं। तो देखिए, ये सब मैंने लिया है हल्दी, जिंजर, लेमन, तुलसी और ऑर्गेनिक हनी। हल्दी भी मेरी ऑर्गेनिक है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये मैंने सिनेमन स्टिक्स ली हैं, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं दालचीनी का। तो जैसे कि मैं 2 कप टी बना रही हूँ तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 2.5 कप वाटर। क्योंकि इसको हमें बहुत अच्छे से बॉईल करना होता है, वाटर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और मीडियम फ्लेम पर अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर डाल रही हूँ और जिंजर को हमें 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से बॉईल करना है। क्योंकि जिंजर एंटीऑक्सीडेंट होती है और इसका जो फ्लेवर है और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं अच्छे से बॉईल होके हमारे पानी में मिल जाने चाहिए। तो इसको मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट्स के लिए। और देखिए, मैंने कवर कर दिया है। अब देखिए 5 मिनट्स हो गए हैं, आप देखेंगे कि जिंजर का कलर पानी में आ गया है। अब हम इसमें तुलसी की लीव्स 5 to 6 और बेसिल लीव्स इसमें हम डाल देंगे और इसको भी मैं 2 to 3 मिनट्स ढककर बॉईल करूँगी ताकि इसके भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। जैसे कि हम सभी को पता है कि तुलसी एंटीसेप्टिक होती है, हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस करती है और टर्मरिक भी एंटीसेप्टिक होती है, लेकिन टर्मरिक को हम बॉयल नहीं करेंगे। इसको जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से बॉयल हो जाएंगी तब एंड में हम इसको ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से बॉयल हो रहा है ये। अब मैंने फ्लेम एकदम लो कर दी है और सब मैं इसको चेक करती हूँ कि अच्छे से इसका फ्लेवर आपको इसकी स्मेल से पता चल जाएगा। ये देखिए अच्छे से इसका सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें एंड में सबसे ज़्यादा एंड में ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आप फ्रेश हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए स्टोव मैंने ऑफ कर दिया है और इसको मैं 1 मिनट के लिए ढक दूंगी। बेसिकली ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और बचपन से हम इस टी को घर में अपने पी रहे हैं। और जैसे कि इंडिया में 3 टाइप के वेदर हम लोग फेस करते हैं तो ये हर वेदर में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और टेस्टी तो होती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। ये दोनों कप मैं इसको कर लूँगी। और विंटर्स में आप इसे 2 बार, समर्स में 1 बार, या अपने बॉडी टाइप के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। रेनी सीजन में भी ये बहुत फ़ायदा करती है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये मैंने इसमें सिनेमन स्टिक्स डाल लिए, पाउडर हो तो पाउडर इस टाइम पर आप इसमें ऐड कर दीजिए। और ये मेरे पास ऑर्गेनिक हनी है, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आप इसको इवनिंग में या मॉर्निंग में कभी भी आप इसको पी सकते हैं। ये मैंने लेमन डाला है, लेमन में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब टोटली ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आजकल इतना चल रहा है तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि वायरस तो आएंगे जाएंगे, हमें स्ट्रांग होना है। स्टे एट होम में हम अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस करें, इस टाइप के ड्रिंक्स पिएं। मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड